प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग सीटेट के पेपर टू का सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। करा बिना दोहराव के अंक 0, 2, 5 और 6 का उपयोग करके बनाई जा सकने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा है। कह रहा है कि हमें 4 डिजिट दी गई है, उन 4 डिजिट की मदद से बिना रिपीटेशन के हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है और सबसे छोटा नंबर बनाना है, और उन दोनों का क्या चेक करना है, डिफरेंस। देखो तो सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, तो देखो हम 6, 5 और 2, सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा 6, 5, 2, और सबसे छोटे नंबर की अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा, तो आपको 2, 0 और 5। अब इन दोनों का आपसे डिफरेंस पूछा, इन दोनों का आपसे क्या पूछा, डिफरेंस। तो 12 में से 5 जाएगा 7 और यहां हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, मतलब 4, 4, 7। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा 2/7 पूरे की पावर -3 इंटू 4/49 पूरे की पावर 6 इक्वल टू 2/7 पूरे की पावर 2m-1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यम। अब देखो यम की वैल्यू यहां हमें बताना है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2/7 पूरे की पावर -3 इंटू 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2। 49 को क्या लिख सकते हो, 7 की पावर 2, और ये पूरे की पावर 6 है। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो इस बात को मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 2/7 पूरे की पावर क्या, 2 में 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो गया। आगे चलते, अब यहां हो जाएगा 2/7 पूरे की पावर 2m-1। ठीक, अब अगर बेस इक्वल हो और नंबर का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, और बेस इक्वल हो और नंबर का आपस में डिवाइड किया जाए तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहां पे देखो बेस इक्वल है, नंबर का आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो पावर क्या ऐड हो जाएगी, तो आप लिख सकते हो 2/7 पूरे की पावर -3 + 12 इक्वल टू 2/7 पूरे की पावर 2m-1 हो गया। देखो ये 2/7 इस 2/7 से कैंसिल, 12 में से -3 करेंगे कितना हो जाएगा 9 बराबर 2m-1, 2m बराबर हो जाएगा 10 और m बराबर कितना आ जाएगा 5, m बराबर कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा निम्नलिखित में से कौन सा 3/11 का प्रतिनिधित्व करता है, हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन 3/11 बन सकता है, तो अब देखना मेरी बात समझना। करा कागज के एक आयताकार शीट को 22 बराबर भागों में बांटना और उनमें से 3 भागों को रखना। अगर कोई शीट 22 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर तो 22 कहां गया, डिनोमिनेटर में, और 3 को साइडेड करा तो ये 3/22 किया, ये 3/11 के इक्वल है, तो आप कहेंगे नहीं ये तो हो नहीं सकता। करा 11 आमों को 3 लोगों के बीच में समान बांटना, मान लो 11 आम है और 3 लोगों में बांटना, तो 11 को 3 से डिवाइड, क्या ये 3/11 हो सकता है, तो आप कहेंगे ये भी नहीं, तो मतलब ऑप्शन बी भी नहीं। कह रहा है एक वृत्त को 33 बराबर भागों में बांटना, उनमें से 9 को रगना। अब देखो कोई सर्कल है, उसे 33 इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, उसमें से कितने को साइडेड किया जाए 9 को। अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 3 से कैंसिल होगा 3 बार में, यह 3 से कैंसिल हो 11 बार, मतलब सी, यह 3/11 के क्या इक्वल, तो ऑप्शन कौन सा, सी।
बातें क्लियर है, डी हो ही नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन आपका क्या है, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आप ऐसा नहीं करना कि पूरे को चेक करना कौन सा पूर्ण वर्ग है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मेरी बात ध्यान समझना। अगर मैं आपके सामने कुछ नंबर लिख रहा हूं, अगर 1 का स्क्वायर आप कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां आप 4 लिखते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या लिखेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आप 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे आप 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे तो आप कहोगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे आप 81, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या लिखेंगे 100। यहां तक बात क्लियर। अब मेरी बात समझना, यहां पे कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे नहीं आते, ध्यान से देखो, वह नंबर आपके सामने होता है 2, 3, 7 और 8। ये ऐसे नंबर हैं, ये कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे आ ही नहीं सकते। देखो, कोई भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे 1 हो सकता है, तो उसका अगर स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। कोई भी नंबर बनाओगे अगर उसके यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है और उसका परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पे हमेशा 4 आएगा। कोई नंबर बनाओगे अगर उसके यूनिट डिजिट पे 3 आ रहा है तो 3 का अगर स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। अगर कोई नंबर बना रहे हो उसके यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है और उसका परफेक्ट स्क्वायर करो तो परफेक्ट स्क्वायर होने के बाद यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरह कोई नंबर बना रहे हो उसके लास्ट डिजिट 5, अगर उस पूरे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 5 आएगा। 6 का अगर कोई नंबर बना रहे हो, 6 अगर उसकी यूनिट डिजिट उसका परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 आएगा। इसी तरह अगर यूनिट डिजिट पे 7 है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। इसी तरह 8 का परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, और 9 का अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, 0 का परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। क्या आपको इन नंबर में कहीं 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट पे दिखा, तो आप कहेंगे नहीं। तो बस अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आप ये चेक करना कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7 और 8 है। तो यहां पे ध्यान से देखो, एक नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 8 है, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ऑप्शन डी। बातें क्लियर है, कोई डाउट, आगे चलते हैं। करा एक दुकानदार के पास 75 सोने और 120 चांदी के सिक्के हैं, वह उन्हें ढेर लगाना चाहता है ताकि प्रत्येक ढेर में एक ही प्रकार के समान संख्या में सिक्के हों, तो प्रत्येक ढेर में सिक्कों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो इसमें अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक, नहीं तो इसमें आपसे HCF पूछा जा रहा है। क्या पूछा यार, HCF, तो ये 75 और 120 का HCF पूछा जा रहा है। तो कितनी बार, एक बार ये 75 हो जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा 45 को 45 से 75 को डिवाइड करो कितनी बार, एक बार में ये 45, यहाँ से कितना आ गया 30, अब 30 को हम 30 से 45 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में, एक बार में, ये हो जाएगा 30, यहाँ से आ जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 30 कितनी बार में, दो बार में, तो आपका ये सी एफ कितना आ गया 15, ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कर समीकरण 3 (-x)(-x+6) = 2 (-2x) का हल भी समीकरण का हल है। मतलब पहले इसे हमें सॉल्व करके देखना, जो इसका सलूशन आएगा अगर इसमें से किस ऑप्शन का सलूशन आ रहा है वही इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो ये 3, ये हो जाएगा 2 (-x)-x+6) =
टू वन माइनस थ्री एक्स। ठीक, अब देखो इसे लिख सकते हो सिक्स माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू टू माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा सिक्स एक्स। अब देखो ये सिक्स से ये सिक्स कैंसिल हो गया, माइनस फोर एक्स इक्वल टू टू माइनस सिक्स एक्स। अब सिक्स को एक्स को इधर लाओ तो आप लिखोगे टू एक्स इक्वल टू टू और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन। अब हमें चेक करना है कि किस ऑप्शन की वैल्यू वन आ रही है। देखो तो पहले को अगर हम चेक करें तो क्या आ जाएगा फोर एक्स प्लस थ्री बराबर फाइव प्लस टू एक्स। टू एक्स को इधर लाओ तो फोर एक्स में से टू एक्स माइनस हो जाएगा टू एक्स, थ्री को उधर ले जाओ टू तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा टू बाई टू, कैंसिल करो कितना आएगा वन, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन। तो ऑप्शन कौन सा ए, बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि a प्लस बी इक्वल टू थ्री और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 89 तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी का मान। हमसे 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी पूछ रहा है, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ए बी, ए से डिवाइड करेंगे ए कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी प्लस ए, मतलब हमें फाइनली ए प्लस बी अपान ए बी की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, ए प्लस बी अपान ए बी। तो हमें ए प्लस बी दे रखा, हमें ए बी तो पहले निकालना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूं तो क्या लिख सकता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी लिख सकता हूं। अब ए प्लस बी की वैल्यू कितने दे रखी है थ्री, तो थ्री का स्क्वायर क्या नाइन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है तो आप कहोगे 89 प्लस टू ए बी। 89 इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 80 इक्वल टू टू ए बी, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा तो आप कहोगे माइनस का 40, कितना आएगा माइनस का 40। हमें ए बी की भी वैल्यू पता चल गई, अब रख दो तो ए प्लस बी कितना 3, ए बी कितना माइनस का 40, मतलब हम लिख सकते हैं माइनस 3/40। ऑप्शन कौन सा बी, बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा यदि पी बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4, क्यू इक्वल टू 3 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर और आर बराबर माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो P माइनस क्यू प्लस आर की वैल्यू पूछा। देखो P की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, तो आप लिखोगे 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 ए पी। अब Q हमें माइनस करना है ना, तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, आर प्लस का तो ऐसे ही लिख दो माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 9 हो गया। अब देखो अब इन्हें हमें सॉल्व करना, देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कितना है 6x स्क्वायर, मतलब इसकी बात हमने कर ली। अब देखो यह प्लस का 6x है, यहाँ माइनस का x है और यहाँ पे एक सेकंड माइनस, हाँ माइनस का x है, यह 4x है, तो देखो ये 4x और प्लस 6x कितना, एक सेकेंड 6x स्क्वायर, सॉरी ये माइनस का है, ये माइनस का यहां माइनस होगा माइनस, देखो माइनस 6x और x और ये 4x, देखो 4 ये 5 और 11 कितना हो 6 कितना 11 माइनस का 11x। अब यहाँ देखो ये 4 है माइनस माइनस 3 है और प्लस 9 है, तो ये 4 3 7 और ये प्लस का, तो 9 में से 7 माइनस करो कितना है प्लस 2। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन है, 6x स्क्वायर प्लस 11x ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कौन सा डी, बात क्लियर है, कोई डाउट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा 10x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, ए ग्रेटर देन सी देन, कर
बी प्लस डी अपॉन ए प्लस सी इज। तो पहले तो हमें बी और डी, ए और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो ये टेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, अगर इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करें तो देखो ये क्या लिख सकता हूं, टेन एक्स स्क्वायर दस तिहाई तीस, उसका ऐसा हमें फैक्टर करना जिनका डिफरेंस वन आए। तो आप क्या करोगे, सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, यहाँ से आप टू एक्स कॉमन ले लो, यहाँ हो जाए कितना फाइव एक्स माइनस थ्री, यहाँ से वन कॉमन ले लो फाइव एक्स माइनस थ्री, ये देखो फाइव एक्स माइनस थ्री और इधर हो जाएगा टू एक्स प्लस वन। अब हम कंपेयर कर देते हैं, देखो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव एक्स माइनस थ्री होगा। अब यहाँ पे देखना ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइव और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस थ्री, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा क्या दे रखा है, सिक्स एक्स प्लस डी, यहाँ हो जाएगा टू एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे कंपेयर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे टू और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन। अब रख दो, दे रखा बी प्लस डी अपान बी प्लस डी कितना दे रखा है ए प्लस सी, ठीक। सही है ना, नहीं नहीं एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आज क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में दे रखा ना, ये एक्स माइनस फाइव होगा और ये वैल्यू प्लस में आएगी, ये भी प्लस में आएगी, ये माइनस में आएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर डी की वैल्यू माइनस में आ जाएगी और बी प्लस में हो जाएगा। अब देखो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे बी की वैल्यू थ्री है, डी की वैल्यू कितनी है माइनस वन अपान, ए की वैल्यू कितनी है फाइव और बी की वैल्यू कितनी है नहीं सी की वैल्यू टू। तो अब देखो यहां पे कितना हो जाएगा टू बाई सेवन। अब पूछ रहा है टू बाई सेवन क्या, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन या कर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या निगेटिव इंटीजर है, तो क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन कैसी होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कर एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है फिर 10% घटाया जाता है, तो क्या आता है, कर वह सेम रहती है या 1% बढ़ जाती है 1% घट जाती है या होता है कि मतलब 0.1% बढ़ती है। अब देखो मान लो हमारे पास 100 रुपए हैं, 10% बढ़ाओगे तो क्या होगा 110 हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है कि इसमें से 10% माइनस करने के लिए बोला, तो 110 का 10% कितना होगा, तो आप कहोगे 11 इसमें से माइनस करो कितना 99 हो गया। पहले आप क्या किए 10% बढ़ाए, फिर उसमें से क्या किया आपने 10% माइनस किया, तो आपके पास 100 रुपया था, 100 से फाइनली कितना बचा 99, कितना कम हुआ एक, कितने पे 100 पे, परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंट का साइन लगा दो, कैंसिल करो, क्या 1% की क्या आई कमी आई, तो डिक्रीज हुआ 1%। ऑप्शन कौन सा सी, बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा ए बी सी सी डी एक समलंब है जिसमें ए डी पैरेलल है बी सी के, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 7 सेंटीमीटर, डी ए को एक बिंदु एफ तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि ए एफ बराबर 3 सेंटीमीटर और बी एफ परपेंडिकुलर है डी एफ, तो समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल। देखो अब ये ट्रेपीजियम की बात कर रहा है, ऐसे कोई ट्रेपीजियम है, ठीक। अब इसमें कह रहा है ए डी, ये ए है, डी एफ पैरेलल किसके है बी सी के, ठीक। कह रहा है ए डी की ए बी की लंबाई कितनी दे रखी है 5 दे रखा है, BC की लंबाई कितना 11 है, AD की कितनी 7,
और कह रहा डी ए को एक बिंदु एफ तक इस प्रकार बढ़ाया जाता कि ए एफ, अब मेरी बात समझना, इसे एफ तक बढ़ाया जाता और कह रहा ए एफ की लंबाई कितनी है, तीन दे रखा, तो और कह रहा ये जो बी एफ है परपेंडिकुलर है डी, अब यहां पे ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बना रहा है, ठीक, तो कह रहा है कि समलंब एबीसीडी का एरिया पूछ रहा है। अब मेरी बात समझो, अगर ये 3 है और ये 5 दे रखा है और यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? तो पाइथागोरस से बी एफ की जो लंबाई होगी वह क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा अंडर रूट में 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 16, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, मतलब ये क्या होगा 4, और ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये क्या बन जाएगा, हाइट भी बन जाएगी। तो अब हमें क्या चाहिए, ट्रेपीजियम का एरिया, ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे 1/2 ब्रैकेट में पैरेलल लाइन का सम, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, हाइट कितनी है 4, निकालो 1/2, ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है 7, बी सी कितना दे रखा है 11 × 4, यहाँ हो जाएगा 1/2, 11 में 7 जोड़ो 18 × 4, इसे कैंसिल होगा 2 बार में 18 × 36, इसका एरिया कितना है 36, ऑप्शन कौन सा बी, बातें क्लियर है, कोई डाउट, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखो। करा दीपक 150 मीटर लंबाई और 100 मीटर लंबी एक आयता का जमीन के साथ 10 चक्कर लगाता था, कभी लगाता था, करा यदि उसे 0.01 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर घूमना है तो उसे कितने चक्कर लगाने होंगे ताकि वह चलने की अपनी नियमित दिनचर्या पूरी कर सके। दीपक है, पाले हुआ एक रेक्टेंगुलर मैदान था जिसकी जो लेंथ थी 150 और ब्रेथ कितनी थी 100, उसका 10 चक्कर लगाता था, किसी कारणवश वह 0.01 किलोमीटर स्क्वायर का एक मतलब स्क्वायर से में फील्ड है उसका चक्कर लगा रहा है, तो उसे अब पूछ रहा कितना चक्कर उसका लगाए कि उसकी पूरी दिनचर्या कंप्लीट हो जाए। तो पहले देखो, अगर हमें ये चेक करना पड़ेगा ना दीपक पहले कितना चक्कर लगाता था, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेक्टेंगुलर एरिया जो जमीन है उसका क्या निकालना पड़ेगा, तो आप कहोगे पेरीमीटर, तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, तो आप कहोगे 2l + b, ठीक। अब यहां पे देखो 2l कितना है, तो आपको 150, बी कितना है 100, यहां हो जाएगा ये हो जाएगा 250 में 2 का मल्टीप्लाई 500, अब उसका कितना चक्कर लगाता था 10 चक्कर, इसमें 10 से मल्टी मतलब 5000 मीटर वो डेली जो मतलब चलता था, ठीक। अब कह रहा वर्गाकार मैदान का, तो इसकी एरिया दे, तो वर्ग का एरिया क्या होता, तो आप कहोगे कि x का स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 0.01, क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है, अब x बराबर क्या अंडर रूट में 0.01, अब इसे हम लिख सकते हैं 1/100, अब इसकी अगर एक साइड की बात करें तो हो जाएगा 1/10, एक साइड कितनी होगी 1/10, अब 1/10 आ गई, अब हमें इसका क्या निकालना, इसका भी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 1/10 हो गया। अब इसे लिखना चाहो तो आप लिख लो 4 × 0.1, मतलब एक चक्कर में इतनी दूरी वो तय करता, उसे तय कितनी करना है इतना तय करना है, उसे तय कितना करना है इतना तय करना है। अब देखो मेरी बात समझना, ये 5000 हो गया अपान ये 4, अब मेरी बात समझो ये वैल्यू उसे किस में दे रखी है, किलोमीटर में,
ये वैल्यू से किसमें दे रखी है, किलोमीटर में। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करो, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 0.1 में 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना है 100, तो इसको लिख दो 100। बातें क्लियर, क्योंकि हमें यूनिट तो सेम करनी पड़ेगी। अब देखो ये दोनों जीरो इससे कैंसिल, अब इसे 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 0.2 बचेगा 5, 12.5 चक्कर। तो करा अप्रॉक्सीमेटली 10, एग्जैक्टली 11, एग्जैक्टली 12 नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 13 चक्कर उसे क्या करने पड़े, लगाने पड़ेंगे। बातें क्लियर है, कोई डाउट, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। करा एक धातु बेलनाकार बक्से के आकार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 17.5 सेमी है, इसकी ऊंचाई 1 मीटर है, तो बॉक्स की क्षमता वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है। अब मेरी बात समझना, लीटर में, अब यहां पे मीटर है, यहां सेंटीमीटर, हमें तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी, तो हम इस मीटर को भी किसमें कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सिलेंडर का, तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू क्या 22/7, आर कितना दे रखा है 17.5, हम पॉइंट हटा दें नीचे 10 कर दे रहे हैं, हो गया। ऊंचाई कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर, हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना, देखो ये दोनों जीरो इससे कैंसिल होगा, हो गया, 7 से कैंसिल होगा 25 बार में, तो हो जाएगा 22 × 25 × 175, हो गया। लेकिन हमें जो क्षमता बतानी किसमें बतानी, लीटर में बतानी है। अगर आपको वॉल्यूम या कुछ ऐसा दे रखा हो जो सेंटीमीटर में, अगर उसे लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको वॉल्यूम मीटर में दे रखा होगा तो आपको अगर उसे लीटर में कन्वर्ट करना तो 1000 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। बातें क्लियर है, कोई डाउट, अब समझना मेरी बात। अब इसमें हमें क्या करना, सेंटीमीटर, इसमें 1000 से हम क्या करना डिवाइड करना, तो 1000 से इसे डिवाइड कर दो। अब देखो 25 से कैंसिल होगा कितनी बार, 40 बार में, ये देखो 5 से कैंसिल होगा 8 बार में, और ये 5 से कैंसिल होगा कितनी बार में, 35 बार में। अब ये देखो 2 से कैंसिल होगा 4 बार में, ये 2 से कैंसिल 11 है, 11 में 35 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 385, और 385 में 4 से डिवाइड कर दो तो 4×9=36, कितना बचा 2×25, 4×6=24, कितना बचा 24 हो गया, 1 बचा 10, 2×5 96.25, ऑप्शन कौन सा सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो कह रहा है एक डिब्बे में कुछ पर्चियां हैं जिन पर संख्याएं 25, 26, 27 और 49 लिखी हैं। एक पर्ची में एक संख्या डिब्बे में आच्छादित रूप से एक पर्ची निकाली जाती, इसकी क्या प्रायिकता है कि चयनित पर्ची में एक अभाज्य संख्या अंकित है। अब मेरी बात समझना, नंबर कहां से कहां तक है, 25 से लेकर 49 तक। अब मेरी बात समझना, 25 से 49 तक की बात कर रहा है, ठीक। अगर हम 1 से 49 तक टोटल नंबर लेंगे तो कितना 49, अब उसमें से 24 माइनस कर दो तो बचा कितना 25, मतलब टोटल पर्ची कितनी पड़ी 25। अब 25 से 49 तक प्राइम नंबर की बात कर, 25 से 49 तक प्राइम नंबर कौन कौन सा, तो आप कहोगे 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा, यही हो गए। तो कितने हैं 6, मतलब टोटल कितने हैं। अब इसी 6 को 25 से डिवाइड कर दो तो यह 0.60 बन जाएगा, 25×50 कितना बचा, 25×50 10×50 100, और 25×4 100, 0.24, ऑप्शन कौन सा बी। बातें क्लियर है, कोई डाउट, आगे चलते हैं। कर एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत आयु 12 है, शिक्षक की आयु जोड़ने के बाद
इन सभी की औसत आयु 13 वर्ष हो जाती। यदि शिक्षक की सेवानिवृत्त की आयु 55 वर्ष है तो वह इसके बाद सेवानिवृत्त होगा। अब मेरी बात समझना, सबसे पहले हमें करा 40 लोगों की औसत आय कितनी है, 12 है। अगर 40 में 12 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल आयु पता चल जाएगी, तो यह हो जाएगा 480। ठीक, अब टीचर की अगर आयु ऐड कर रहे हैं तो हमारा औसत कितना 13, तो टीचर भी तो ऐड होगा तो कितना 41 लोग हो गए। अब 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 एकम 13, अब 13 चौके 52, अब 52 एक 53। अब इसका डिफरेंस देखो, तो डिफरेंस यहां से 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7। 10 में से 3 सॉरी एक सेकंड, यहां देखो 3 में से 0 करेंगे तो यहां जाएगा 3, और ये जाएगा 13, 13 में से 8 जाएगा 5। मतलब जो टीचर की एज है वह कितनी है, 53 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 53 आएगा। अब कह रहा है कि वह 55 की उम्र में रिटायर हो जाए, तो अब उसके पास कितना टाइम बचा है रिटायर होने के लिए, तो आप कहेंगे कि 2 साल। अगर इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना 55 हो जाएगा ना, तो मतलब टीचर को रिटायर होने के लिए कितना टाइम बचा हुआ, 2 साल। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा संपूरक कोण की माप 2a-b और 3a-b है, तो 3a का मान होगा। हमसे सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है, तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 2 एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो इक्वल टू कितना 180। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5a = 180। a बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 36। a बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो गया। अब पूछ रहा हमसे 3a की वैल्यू, तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 108। ऑप्शन कौन, बी। बातें क्लियर है, कोई डाउट, आगे चलते अगला क्वेश्चन देख। करा मैथ शब्द में अक्षरों के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा घोड़ी समरूपता को दर्शाता है, मतलब हमसे पूछा सिमेट्री की बात कर रहा है, कि मतलब ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा पेयर ऐसा है जिसे हम घुमाएं भी तो सिमेट्री हमारी क्या है, सेम हो। तो देखो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक यच है और एक यस है, इनको अगर आप रोटेट करोगे तो इनकी सिमेट्री भी क्या होगी, सेम। बाकी इनके अलावा किसी को रोटेट करोगे तो उनकी सिमेट्री सेम नहीं होगी, तो आंसर कौन सा, डी। अगला क्वेश्चन, करा एक त्रिभुज के निर्माण में भुजाएं 2p-1 और 2p+2 सेमी और 13 सेमी से किया जाना, त्रिभुज के निर्माण के लिए P हमेशा होना चाहिए। तो अगर ट्रायंगल हमें बनाना है तो ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि उसके दो साइड का सम तीसरी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दो साइड का सम क्या होना चाहिए, तीसरी से बड़ा होना चाहिए। देखो ये 2p-1 प्लस 2p+2 ग्रेटर देन किससे, 13 से। दो का सम तीसरी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो हो जाएगा 4p+1 > 13, तो 4p > क्या होगा, 12 हो जाएगा। एक जाकर उधर माइनस कर, तो p > कितना हो जाएगा, 12/4। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, मतलब p जो हमेशा क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 4:5:3:6 है, चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का अंतर पूछ रहा है। देखो अगर मैं किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना हुआ, तो आप कहोगे क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो देखो ये 4x + 5x + 3x + 6x,
इक्वल टू क्या 360। ये देखो 6, 3, 9, 5, 14, 4, 18 18x बराबर क्या हो जाएगा 360। तो ex बराबर क्या हो जाएगा, इसे कैंसिल करो कितनी बार में, दो बार में 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। करा सबसे बड़े और सबसे छोटे, तो सबसे बड़ा क्या 6 है और सबसे छोटा क्या 3, तो डिफरेंस कितना 3 का, तो 20 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए सी परपेंडिकुलर बी डी, ए बी और ए डी बराबर आपस में और सी बी और सी डी आपस में बराबर, तो फिर ए बी सी डी हमेशा एक होनी चाहिए। अब देखो कह रहा है कि कोई ऐसे है फिगर, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, डी है, ठीक। कह रहा है कि ए बी बराबर ए डी, मतलब ये आपस में बराबर है, और कह रहा है सी बी, मतलब ये वाली इसके बराबर है, ठीक। और कह रहा है ए सी, मतलब इसको यहाँ से मिलाऊं बी डी, आपस में क्या परपेंडिकुलर है। ऐसा कहाँ होता है कि कोई दो साइड आपस में इक्वल हो और उनके डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, तो एक ये कंडीशन एक ही जगह होती है, वो क्या है, काइट। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।